जय हिंद दोस्तों। चीन अब जब भी भारतीय सेना के ऊपर कायराना हमला करने की सोचेगा तो उसे याद रहेगा कि गलवान घाटी में कैसे भारतीय वीर जवान वीर सेना के रणबांकुरों ने चीनी सैनिकों की खाल उधेड़ दी थी। कैसे अपने बाहुबल के दम पर भारतीय सेना के वीर जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को मारा बल्कि चीनियों की ऐसी मौत दी कि उनकी रूह तक कांप उठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ गलवान की। जी हाँ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ 15 और 16 जून की दरमियानी रात को कि भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच एक बहस खूनी झड़प में तब्दील हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 6 जून को। 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के दौरान चीनी सेना और भारतीय सेना में यह तय हुआ था कि गलवान घाटी के पास से चीन और भारतीय सेना अपना अपना डेरा डंडा उठाएंगे और पीछे जाएंगे, वहां पर एक बफर जोन बनाएंगे। दोस्तों, ये समझौता कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि गलवान घाटी भले ही देखने में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लग सकती है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो युद्ध होने की स्थिति में हार और जीत दोनों तय कर सकती है। दरअसल वो एक ऊंचाई वाली जगह है जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 15A है। ये वो जगह है जहां दोनों देशों की सीमाएं पेट्रोलिंग तो कर सकती हैं लेकिन कोई भी स्थायी या अस्थायी पोस्ट नहीं बनाया जा सकता। इसी मुख्य कारण की वजह से गलवान घाटी से आसानी से भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि को देखा जा सकता है, साथ ही चीन की तरफ से क्या हो रहा है ये भी जाना जा सकता है। इसलिए चीन गलवान पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है और बार बार भारतीय सेना से लड़ने की फिराक में है। ये तो हो गई गलवान घाटी की बात, यानी कि पॉइंट नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं कि आखिर 15 और 16 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक खूनी झड़प हुई जिसमें हमने अपने 20 बहादुर जवानों को खो दिया। लेकिन जाते जाते हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से चीन की सेना को बहुत ही करारी शिकस्त दी, भले ही वो नहीं मान रहे लेकिन हकीकत यही है। तो इसकी शुरुआत होती है जब 15 जून को भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग दस्ते को ये देखने के लिए भेजा जाता है कि 6 जून को हुए समझौते के मुताबिक PLA यानी कि चीन के जो सैनिक हैं वो गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हटे हैं या नहीं। जब भारतीय सैनिक उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो देखा कि वहां 15 से 16 सैनिक मौजूद थे और उन्होंने अभी भी वहां पर टेंट लगा रखा था। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें टेंट हटाने और वहां से जाने के लिए कहा तो वो लड़ाई के लिए उतारू हो गए और फिर इससे साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया कि वो वहां से हटेंगे, अपना टेंट हटाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी जब 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को दी गई तो वो करीब 35 से 40 जवानों के साथ, जिसमें 2 मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, विवाद की जगह पर पहुंचे। कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ गए जवानों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि चीनी सैनिक उन पर घात लगाए बैठे हैं। काफी देर तक कर्नल संतोष बाबू और चीनियों के बीच बहस होती रही। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी वाली बहस के बाद जैसे ही भारतीय सेना के जवानों ने चीनी टेंट को हटाने के लिए कोशिश की तभी धोखे से पत्थर, लाठी, डंडे और नुकीले हथियारों से कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ गए जवानों पर हमला कर दिया गया। किसके द्वारा? चीनी सैनिकों द्वारा। अचानक से करीब 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर पत्थर, लाठी, डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। इसी कायराना हमले में कर्नल संतोष बाबू बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। बस यही दूसरा कारण बना बैटल ऑफ गलवान के होने का। जब ये खबर 16 बिहार रेजिमेंट के अन्य जवानों को पता चली कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को मारा गया है, उनके कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए हैं, तो सभी जवान आग बबूला हो गए और सबने अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए गलवान घाटी पर चढ़ाई कर दी। वहां पहले से ही कुछ भारतीय जवान मौजूद थे जो चीनियों को उन्हीं के हथियारों से मारने में लगे हुए थे। कुछ मारते मारते वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इसी बीच 16 बिहार रेजिमेंट को 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक टुकड़ी ने ज्वाइन कर लिया और गलवान पर चढ़ाई कर दी गई। इस तरह अब चीन के करीब 300 से 350 सैनिक थे, वहीं भारतीय सेना के करीब 1000 बब्बर शेर गलवान घाटी में मौजूद थे।
फिर शुरू हुआ वहां पर एक खूनी संघर्ष। जय बजरंग बली के उद्घोष से गलवान घाटी गूंज उठी। भारतीय सेना का एक एक सैनिक 10-10 चीनियों पर भारी पड़ रहा था। करीब 100 भारतीय सेना के रणबांकुरों ने जब चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ना शुरू किया तो चीनी आतंकित हो उठे। यही नहीं, भारतीय जवानों को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने 4 फुटीय चीनियों को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव हो रहा था। इसी बीच कई चीनी सैनिकों को गलवान नदी में भारतीय जवानों ने फेंक दिया। करीब 5 घंटे तक गलवान घाटी में चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। चीनी तंबू में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। भारत के वीर सपूत घायल हुए, मारते मारते शहीद हुए, लेकिन एक ने भी चीनियों की तरह पीठ नहीं दिखाई। वो वहीं डटे रहे, वो लड़ते रहे, अपने आखिरी खून की बूंद तक वो लड़े, और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हुए। कई जवान घायल भी हुए, लेकिन वहीं जब सुबह हुई तो चीन की एक सैन्य टुकड़ी अपने घायल और मरे हुए सैनिकों को लेने आई तो पूरी गलवान घाटी में जगह जगह चीनी सैनिक पड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि करीब 8 चीनी सैनिकों की तो भारतीय सैनिकों ने गर्दन तोड़ दी थी। कई चीनी सैनिकों की लाशों को भारतीय जवानों ने खुद चीनियों को सौंपा था। वहीं चीन ने अपने सैनिकों के मरने या हताहत होने की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी, क्योंकि चीन अपने सैनिकों के मरने और घायल होने की सही संख्या बताएगा तो उसकी विश्व भर में किरकिरी होगी। इसीलिए उसने अपने किसी भी गलवान घाटी में घायल हुए या मरे हुए सैनिक के बारे में नहीं बताया। आपको याद होगा, ऐसे ही किरकिरी से बचने के लिए पहले भी चीन ने कोरोना के सही आंकड़े दुनिया से छुपाए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई थी। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इस पूरी घटना पर, इस गलवान घाटी की घटना पर पुष्टि की थी कि चीन के करीब 35 सैनिक गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए थे और 100 के करीब चीनी बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे, जो अभी भी मौत के मुहाने पर खड़े हैं। कभी नहीं पता कि कब वो इस दुनिया से चले जाए। वही खबर तो ये भी आई थी कि भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 12 सैनिकों को बंधक बना लिया है, जिसमें एक ऑफिसर रैंक का अधिकारी भी शामिल है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। दोस्तों, सच बताऊं तो भारतीय वीर जवानों के इस पराक्रम ने 1965 की याद दिला दी, जिसमें एक ओर जहां भारतीय सेना के मेजर सैतान सिंह और उनके 124 साथियों ने, जिसमें लगभग सभी वीर अहीर थे, उन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को बिना किसी आधुनिक हथियार के मार डाला था। न जाने कितने चीनी सैनिकों को शहीद मेजर सैतान सिंह और उनके बहादुर साथियों ने पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला था। वहीं 1962 में ही वीर जवान शहीद जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सेना के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने लगातार 5 अलग अलग LMG से लैस पोस्टों पर भाग भाग के चीनियों पर हमला किया और लगभग 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इन सभी घटनाओं से ये तो साफ हो जाता है कि हमारी सेना कभी भी किसी से कमजोर न थी, न है और न रहेगी। वो हमेशा से इतनी ताकतवर थी कि किसी भी देश को वो घुटने पर ला सकती है। देश की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने वाले सभी वीर शहीदों को शिवालिक जनरल नमन करता है। उनके बलिदान का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, हमारे भारतीय सेना के रणबांकुरों के शौर्य पराक्रम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने फिल्मी दुनिया के नकली हीरो की कहानी खूब लाइक और शेयर की होगी, लेकिन क्या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप देश के असली हीरो, इन जाबाज जवानों की वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकें। बाकी शिवालिक जनरल का जो ये लगभग 3 लाख का परिवार है, वो बहुत ही समझदार है, सुलझा हुआ है, और आपको पता है कि एक जवान के बलिदान की कीमत क्या होती है। हम जितनी भी वीडियो जवानों के लिए बनाते हैं या किसी अन्य खबर के लिए बनाते हैं, वो कभी भी कमाई के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती। हम बस अपने असली योद्धाओं को, हमारे असली हीरो को, उन्हें सम्मान देने के लिए, अपने जवानों को, अपने भारतीय सेना के जवानों को सम्मान देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।